धार जिले के मनावर तहसील के अंतर्गत ग्राम सिंगाना में प्राथमिक विद्यालय में गंदगी का साम्राज्य के साथ ही जंगली झाड़ियां व गड्ढों के बीच बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय के प्राचार्य की लापरवाही कहीं बच्चों के जीवन पर घातक सिद्ध न हो जाए। कोरोना महामारी के पश्चात करीब 1.5 वर्ष बाद स्कूल खोले गए, इस बीच बंद पड़े विद्यालयों में भवन व परिसर में गंदगी के साथ साथ जंगली झाड़ियों व गड्ढे हो गए हैं, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्राचार्य द्वारा इसे अनदेखा किया जाना कहां तक उचित है। आपको बता दें कि जब भारतीय न्यूज के तहसील संवाददाता ने ग्राम सिंगाना में प्राथमिक विद्यालय का मुआयना किया तो विद्यालय परिसर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाया गया। जब इस संबंध में प्राचार्य का ध्यान आकर्षित किया गया तो प्राचार्य ने उल्टा पत्रकार को ही भला बुरा कहकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। प्राचार्य अशोक कुमार शुक्ला ने रोब झाड़ते हुए पत्रकार को ही देख लेने की धमकी दी, जबकि यहां पढ़ने वाले बच्चों के साथ कभी भी कोई बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। समय रहते शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस विद्यालय में फैली गंदगी की ओर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा यहां पढ़ने वाले बच्चे किसी बड़ी महामारी का शिकार हो सकते हैं। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.